जी तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद। आज हम बात करने वाले जय प्रकाश वेंचर लिमिटेड के बारे में। स्टॉक जैसे आप प्राइस जानते हैं 6.90 पे ट्रेड कर रहा है, और साथ ही में बात करूँ तो अभी अच्छा खासा जंप में है। लगभग 5 रुपये पर इसको मान सकते हैं ट्रेड की पोजीशन में, और 5% सर्किट पे गया है। तो अगर हम बात करेंगे 2 अगस्त के लिए, क्या इसके ट्रेड बन सकते हैं टारगेट्स और के बारे में, तो कंपनी के बारे में बताऊँ तो लगभग आप देख सकते हैं 4.90 पर ट्रेड करते हुए पिछले आज के दिन तो अच्छा खासा सर्किट में बना हुआ है। और 26-5 पिछले 5 दिन की बात करूँ उसके अंदर भी इसने अच्छा खासा लॉस झेला है कंपनी ने, फिर भी कंपनी उठने की पूरी कोशिश की है। आपके सामने अगर देखना चाहे आप तो कंपनी ने पूरी कोशिश की है इसको उठने की। और बात करूँ पिछले कुछ महीने भर की, तो महीने भर के अंदर भी कंपनी ने रिटर्न देने की पूरी अपनी कारीगर कोशिश करता रहा है। कंपनी महीने भर के अंदर आप देख सकते हैं फिर भी 10% माइनस में गया, उस वजह से इसको थोड़ा ज़्यादा ही लॉस हुआ है। 6 महीने की बात करूँ उसके अंदर इसका जंप बहुत बढ़िया, उसी जंप की बढ़िया इसको मुझे स्टॉक लग रहा है कुछ टाइम से, क्योंकि जो उसका 6 महीने का जंप रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। और बात करूँ पूरे साल भर की, तो साल भर में भी एक देख सकते हैं आप 48% कम नहीं होता। और 5 साल की बात करते हैं अगर हम स्टॉक के अंदर, तो गिरावट स्टॉक ने ज़रूर झेली है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर स्टॉक ने गिरावट झेली है। और पिछले मैक्स की बात कर ही लेते हैं अब इस टाइम, तो आप देख सकते हैं स्टॉक जब से आया था जब से गिरावट में रहा है, लगभग 30 रुपये में आया था और आज ये 5 रुपये में ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत बुरी बात है। तो अब इसके फाइनेंशियल देखने चाहिए कि फाइनेंशियल के अंदर लगता है कि आगे कुछ कर पाएगा। तो अगर मैं इसके फाइनेंशियल दिखाऊँ आपको, फाइनेंशियल पे लेके जाऊँ, तो आप देखते हैं अब की बार वाला क्वार्टर थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है पिछले वाले क्वार्टर से। और बात करूँ दिसंबर के अंदर, तो दिसंबर के अंदर आप देख सकते हैं 18% दिसंबर के अंदर भी जंप आया। सितंबर की बात करें उसके अंदर लॉस रहा है, जून में लॉस रहा है, तो 2 क्वार्टर में तो देख सकते हैं आप इसके अंदर साफ लॉस रहा है, लेकिन बाकी क्वार्टर में इसने जंप करने की कोशिश की है और अच्छे खासे रिटर्न्स आपके सामने लाने की कोशिश की है और लाया भी है स्टॉक, इसलिए इसको बुरा स्टॉक तो नहीं कह सकते आप। और अगर कंपैरिजन में देखा जाए बाकी कुछ स्टॉक से, जैसे टाटा पावर, रिलायंस पावर या इसी कंपनी, तो उसके बारे में अगर बात कर लेते हैं हम, तो आप देखेंगे जय प्रकाश एसोसिएशन जो इसकी एक और कंपनी है, अगर कंपनी वाइज देखें तो कौन सा कंपनी बेटर है, तो आप देखिए 6 महीने के अंदर जय प्रकाश एसोसिएशन ने बाजी मार ली है, 3 महीने के अंदर सॉरी, छः महीने के अंदर जेपी पावर ने मारी है। और पूरे साल भर में आप देख सकते हैं जय प्रकाश एसोसिएशन में, और साल भर में 5 साल की बात करूँ उसके अंदर भी जय प्रकाश एसोसिएशन, और मैक्स की बात करूँ उसके अंदर भी जय प्रकाश एसोसिएशन। बाकी मार्केट देखे तो जेपी पावर का ज़्यादा है जय प्रकाश एसोसिएशन से, एम्प्लॉय उसके पास ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा लगता है फेवर वो लगता है जय प्रकाश एसोसिएशन की तरफ। लेकिन एक प्लस पॉइंट इस स्टॉक पे ये है कि जो कंपनी है वो पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, और पावर सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है आने वाले टाइम में, इसलिए हम इसको अच्छा स्टॉक मानते हैं। बाकी आज का वीडियो इतना ही था, पसंद आया तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।